मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कविताज क्रिएटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बनाने की रेसिपी, जी हाँ, ओवन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने बेस भी घर पे बनाया है, तवे पे बनाया है, बिना यीस्ट के बनाया है, दही का यूज किया है हमने। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही डिलीशियस है, घर पे झटपट से मिल जाएगा। तो अब आपको भी पिज्जा हट या डोमिनोज का पिज्जा याद आ रहा है, लेकिन मंगवाना बहुत मुश्किल है, लॉकडाउन में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो घर पे बनाइए। तवे पे पिज्जा बहुत ईजी बन जाएगा, कोई ओवन की जरूरत नहीं है। आप बच्चों को खिला सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, कोई पार्टी है, आप जरूर इसे खा सकते हैं। बहुत इजी है बनाना, लगभग आधे घंटे में आपका पिज्जा तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, तो 1.5 कप मैदा लिया है हमने। अगर आपको हेल्दी वर्जन बनाना है तो आप गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा को छान लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच पाउडर्ड शुगर। तो मैदा को छानने से क्या होता है, इसमें एयर पॉकेट्स मिल जाते हैं और आपका बेस काफी अच्छा बनता है। 1/2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है स्वाद अनुसार बेसिकली, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे लगभग 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, और जितना बेकिंग पाउडर लिया है उसका 1/2 मैंने इसमें बेकिंग सोडा लिया है, यानी खाने वाला सोडा। आप इसमें इनो बिल्कुल भी ऐड मत करिए, आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ही लीजिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 3/4 कप दही। तो ये दही खट्टा नहीं है, नॉर्मल दही जो होता है उसे हमें इस आटे को गूंथना है। हमने बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है, दही से ही इस आटे को हमने लगाया है। तो इसका एक सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है, तो इस तरीके से हम इसमें दही ऐड करते जाएंगे और नीट करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दही ऐड करिए और इसे नीट करते रहिए, और तब तक इसका सॉफ्ट डो लगा लेना है। काफी अच्छे से इसे नीट करना है, जितना ज्यादा अच्छा आप नीट करेंगे आपका पिज्जा का बेस उतना ज्यादा अच्छा बनेगा, उतना ज्यादा एयर पॉकेट्स बनेंगे और उतना ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैं इसे नीड कर रही हूँ, और उसके बाद हम इसे देंगे रेस्टिंग टाइम। तो ये नीड करने के बाद हमने डो को अच्छे से नीड करके इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है 1/2 चम्मच जितना, उसे मैंने अच्छे से टक कर देना है। और ये कट एंड फोल्ड मेथड से जो है मैं अपने डो को जो है सेट कर रही हूँ, और बस इसे हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तो किसी भी गीले टाल से या कपड़े से ढक दिया, और 1/2 घंटे रेस्ट करने के बाद इसको हम बेल लेंगे। तो इस तरीके से हम बेल लेंगे, जिस भी साइज को आपका पिज्जा बनाना है उसी साइज का हमको इसको थोड़ा थोड़ा रोलिंग पिन की हेल्प से बेल लेना है। अब हमने एक तवा लेना है, उसे हम गर्म नहीं करेंगे, उस पर हम सबसे पहले ऑयल लगा लेंगे। तो ये ऑयल अच्छे से हमने ब्रश कर लिया, और अब हम अपना डो का जो हमने बनाया हुआ है चपाती वो इस पे लगा देंगे, पिज्जा का बेस, और बस इसे हम अच्छे से स्प्रेड करके जो इसके साइड्स हैं उस पे हम फिर से ऑयल लगा देंगे, ऑयल या बटर। और इसे हम अब गैस पे रखेंगे और एक फोक की हेल्प से इसमें सारे छेद कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी फूले ना, और ढक के इसे हम लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे एक साइड से। तो 5 से 7 मिनट के बाद आपका एक साइड से पिज्जा बेस अच्छे से बन जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है आपको, फ्लेम को हाई नहीं करना। अब बस इस साइड पे हम लगा देंगे पिज्जा सॉस। तो इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं वहां से। बिल्कुल घर की बनी हुई पिज्जा सॉस है, बहुत फ्रेश और हेल्दी है। बाजार की पिज्जा सॉस उतनी अच्छी नहीं, आप इसे बनाइए। और अब मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ये मोजरेला चीज। तो ये अमूल की मोजरेला चीज है, आपके पास कोई भी चीज है आप ले सकते हैं, प्रोसेस है मोजरेला चेडर, कोई भी चीज आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो चीज को अच्छे से स्प्रिंकल करने के बाद अब मैं इस पर डाल रही हूँ टॉपिंग्स। तो टॉपिंग्स में सबसे पहले मैंने लिया है टमाटर, तो यहाँ पे ये टमाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, लो फ्लेम पे करना है। दूसरी साइड हमारी अभी तब तक पक रही होगी, और इसके ऊपर हम ये ग्रीन चिली जो है, ग्रीन कैप्सिकम जो है, वो मैं इस पे अच्छे से स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो जो भी टॉपिंग्स आपको पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं अपने मन से, बिल्कुल आप टॉपिंग्स के साथ प्ले कर सकते हैं। मैं इस पे अनियन ऐड कर रही हूँ, आप येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर, तो पनीर तो बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो आप जरूर ऐड करिए और काफी हेल्दी भी होता है। लास्ट में मैं इस पर और ऐड करी हूँ, ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न थे मेरे पास, वो मैंने इस पर ऐड कर दिए हैं। और अब बस थोड़ी सी चीज मैं ऊपर से और डाल दूंगी ताकि हमारा पिज्जा बहुत ज्यादा चीजी बने। तो ये थोड़ी सी चीज मैंने और स्प्रेड कर दी है ऊपर से, और अब मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ऑरिगेनो। तो अगर ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला, काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर भी कर सकते हैं। ये है रेड चिली फ्लेक्स, तो वो मैंने स्प्रिंकल कर दिए।
और बस इसे हमें ढक देना, फिर से ढक के लगभग इसे हम लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। तो तब तक चीज बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और हमारा बेस जो है नीचे से भी बिल्कुल क्रंची हो जाएगा। तो ये हमारा पिज्जा 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो गया, यानी दोनों साइड लगभग इक्वल रहेगा। बस हमने इसे कट कर देना। ये देखिए कितना चीजी बना, यानी एक पिज्जा आपका डिनर का काम कर देगा दो लोगों का, इतना ज्यादा अच्छा बना था। और ये हमने घर पे बनाया है। मैंने एक और रेसिपी पहले शेयर की थी जिसमें मैंने आपको ढोकला पैन, ढोकला का जो कुकर होता है उसमें पिज्जा बनाना सिखाया था, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कविता क्रिएटिविटी को देखते रहिए। थैंक यू।